सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम एक टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जेट पे कंपोज के थ्रू। देखो यार, मैं आपसे पहले आपको डेमो दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन का। और ये देखो, ये जो यूआई बेसिकली आपको दिख रहा है ना, वो मैंने जेट पे कंपोज के थ्रू इसको डिज़ाइन किया। और जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर होगा ना, वो जाके हमारा रूम के अंदर स्टोर होने वाला है। देखो, जब हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर टाइटल देना पड़ता है। सपोज़ मैं टाइटल यहाँ पर देता हूँ, आपको मान लो लाइक ये पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर सेव पे जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो क्या हुआ, डेटा आपको क्या हुआ, रूम के अंदर स्टोर हो चुका है। और मैंने क्या किया, वो डेटा को मैं फेच करवा के यहाँ रिसाइकलर व्यू के अंदर डेटा शो करवा रहा हूँ सिंपल सा। देखो, ये सिंपल सी हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करने वाले हैं जेट पे कंपोज के थ्रू। और देखो, यहाँ मैं MVVM पैटर्न एंड रूम डेटाबेस का यूज़ करूँगा और डैगर हिल्ट का भी यूज़ करने वाला हूँ फॉर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। देखो, सबसे पहले मैं क्या करनी पड़ेगी, मेरे को डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। देखो, मेरे को जाना पड़ेगा बिल्ड डॉट क्रिएटर फाइल के अंदर, और डिपेंडेंसी आपको बहुत ही सिंपल यूज़ करनी। देखो, डैगर हिल्ट का यूज़ करना है, कॉटलिन कैप्ट आपको प्लगइन ऊपर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। एंड नेक्स्ट जब आते हैं यहाँ पर, तो मैंने रूम का यहाँ पर यूज़ कर रखा है, देन व्यू मॉडल का यहाँ पर यूज़ किया है, और देन डैगर हिल्ट यहाँ पर, और कॉटलिन को रूटीन्स का यूज़ किया है, देन KTS की लाइब्रेरी यूज़ करके। देखो यार, डिपेंडेंसी ऐड करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ मैं जाके जितने भी उसके वर्जन से यहाँ इंस्टॉल कर रखे हैं, और एक क्लास पाथ होता है डैगर हिल का, वो यहाँ पर यूज़ कर रखा है। देखो, डिपेंडेंसी जैसे हम पहले यूज़ करते थे, सेम वैसे ही हमको यूज़ करना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। अब देखो, सबसे पहले मैं करता हूँ अपने जो रूम का है ना, उसका सेटअप कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो, मैं करता हूँ यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, टू डू नाम का मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। और इसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे यह करना पड़ेगा, देखो, एक डेटा क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक टू डू नाम का डेटा क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। बिकॉज मुझको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ मुझे दो डेटा चाहिए, एक तो टाइटल हो गया और एक आपका डिस्क्रिप्शन होने वाला है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, कि अगर देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको टेबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर एंटिटी नाम का क्या होता है, यहाँ से एक एनोटेशन होता है एंटिटी, तो ठीक है। और यहाँ आपको नेम देना पड़ेगा, जो कि आपको टेबल का नेम है यहाँ से, तो ये ऑप्शनल है बेसिकली। तो मैं करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ टू डू टेबल, यहाँ से लिख दिया। अब यहाँ मुझे कुछ डेटा पास करने पड़ेंगे, ठीक है। लाइक मैंने पास कर दिया वेल टाइटल, और जो कि है आपका स्ट्रिंग होने वाला, ठीक है। एंड सेकेंड आपका होने वाला डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। एंड देखो, मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, एक प्राइमरी की डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो मैं करता हूँ एक प्राइमरी की नाम का, जो कि एनोटेशन है, यहाँ पर प्राइमरी की पास कर दिया। और ये क्या है, आपको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, और यहाँ से ऑटो जनरेटेड पास करके आपको ट्रू पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, जो आपका आईडी होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर इंट पास कर दिया, और ये आपको यहाँ पे रन पास कर दिया। अब तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी की जो होगी ना आपकी, वो आप ऑटो जनरेट होती जाएगी यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्रिएट करने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। तो देखो, इतना एक्चुअली काम हो गया ना मेरा, तो मुझे अब डाओ क्रिएट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं ये करता हूँ, एक पैकेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, डेटा नाम का, यहाँ पर इसके अंदर। और इसको यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। और अभी ये करता हूँ, इस डेटा पैकेज के अंदर एक मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ, जो कि आपका इंटरफेस होने वाला, जो कि आपका डाओ होने वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टू डू डाओ पर पास कर देता हूँ पहले, तो एक इंटरफेस यहाँ से क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी देखो, मुझको क्या करना है, यहाँ से एक इसको मुझे अगर डाउ बनाना है, तो मैं यहाँ पर डाउ यहाँ पर क्या करूँगा, कॉल कर लेता हूँ पहले, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, इंपोर्ट कर दो पहले यहाँ पर। देखो गाइस, आई होप क्या इसकी आपको यहाँ पर रूम डेटाबेस के बारे में थोड़ा आइडिया हो कि ये कैसे वर्क करता है। बिकॉज मैं हर टाइम अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कैसे आपको परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बताऊँगा नहीं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो, सबसे मुझे करना पड़ेगा इंसर्ट करवाना है, तो मेरे पास क्या होता है, एक इंसर्ट नाम का यहाँ पर एनोटेशन होता है, उसको कॉल करके यहाँ से, तो इंसर्ट कॉल कर दिया। देन यहाँ से आपको ऑन कन्फ्लिक्ट पास करके, ऑन कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी डॉट ऑन कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी, और यहाँ से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट डॉट रिप्लेस पास करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं करता हूँ एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करता हूँ, जो कि आपका इंसर्ट टाइप का होने वाला है, जो अपने अंदर डेटा लेने वाला है, मतलब एक आपका डेटा क्लास लेने वाला है अपने अंदर, ठीक है। तो मेरे पास टू डू है, तो मैं आपको यहाँ से टू डू को कॉल कर लेता हूँ, और आई थिंक इतना डन हो चुका है। अब मुझे यह करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है अपने रूम डेटाबेस से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्वेरी नाम का नोटेशन होता है, क्वेरी कॉल किया, देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट
ऑल फ्रॉम अब पासिंग टेबल पास करनी पड़ेगी, तो टेबल यहाँ पर टू टू टेबल है, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लो जो कि आपका क्या है, गेट ऑल टू डूज नाम का, यहाँ से इसको कॉल किया और यहाँ से क्या करेगा आपका फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ डेटा रिटर्न करवाने वाला है यहाँ से। तो फ्लो आप अपने पास यहाँ पे टू डू पास कर दिया, ठीक है। देखो यार इतना डन हो चुका है, जो कि बहुत सिंपल और इजी था कि हाँ मतलब डाओ में क्या करते हैं, हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो हमें टेबल के साथ अपना परफॉर्म करना है, ठीक है। अब मेरी बारी क्या है, एक रूम डेटाबेस क्रिएट करने की, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एक टू डू डेटाबेस नाम का मैं एक यहाँ से एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जो कि आपका एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने वाला है यहाँ से। तो क्या कर दो, सबसे पहले यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो और यहाँ से आपका कर दो जो रूम है बेसिकली रूम डेटाबेस को यहाँ से क्या कर लो कॉल कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रूम डेटाबेस को कॉल कर दिया और यहाँ से इंपोर्ट कर दिया। ऊपर जाके यहाँ से डेटाबेस नाम का जो भी एनोटेशन है इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लो पहले तो, और यहाँ पे एंटिटी पास करनी पड़ेगी, एंटिटी जो कि आपका एक टेबल लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे टू डू जो भी आपका टू डू टेबल है उसको लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्लास पास करना पड़ता है। सेकंड आपका वर्जन होता है, तो वर्जन इनिशियलाइज करो तो वन पास कर दिया, एंड एक्सपोर्ट स्कीमा आपको फॉल्स पास करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करूँगा, मैं एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ जो क्या करेगा आपका कैट डाओ नाम का होने वाला है। अब ये बेसिकली करेगा कि आपका यहाँ से अब यहाँ से कर दो कि टू डू डाओ पास कर दो। अब ये इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो भी इस टू डू डाओ के अंदर फंक्शन गिवन है उसको जस्ट कॉल करवाने का काम करने वाला है, बिकॉज हम इंटरफेस का इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा उसको गेट करने का, उसके उसके जो फंक्शन है उसको गेट करने का काम करने वाला है। देखो आई थिंक इतना हो चुका है। देखो मैंने अभी यहाँ पर डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, लेकिन डेटाबेस का नेम हो गया वो मैंने यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करवाया, बिकॉज देखो मुझे इस रूम डेटाबेस की डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डैगर हिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसके थ्रू इजीली डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। देखो सबसे पहले करता हूँ, इधर जाता हूँ और एक बेस एप्लीकेशन नाम का, देखो यहाँ मैं करता हूँ पहले एक बेस ऐप नाम का मैं यहाँ से एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जो कि आपका क्या करने वाला है, एप्लीकेशन क्लास को यहाँ से कॉल कर लेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्लास को कॉल कर लिया और मुझे इसको कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ मैं अपनी डिपेंडेंसी रख सकता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। आपको हिल्ट एंड्रॉयड ऐप यहाँ से हिल्ट एंड्रॉयड ऐप लिखना पड़ता है, एंड्रॉयड ऐप लिख दो, यहाँ से हिल्ट एंड्रॉयड ऐप लिखा और इसको जिस क्या कर दो यहाँ से इंपोर्ट कर दो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको एक कंटेनर क्रिएट कर लिया। अभी क्या करना है, इसको यहाँ से आपको यहाँ पर नेम लिख के इसको इंट्रोड्यूस भी करवाना पड़ता है, तो इंट्रोड्यूस भी करवा दिया। देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाके एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, तो डी आई नाम का जो करेगा आपका डिपेंडेंसी परफॉर्म करवाना है काम करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डेटाबेस मॉड्यूल नाम का क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर मैं सारी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाना हो। सबसे पहले अगर आप मॉड्यूल नाम का जो भी एनोटेशन ऊपर कॉल कर लो, एंड सेकंड आपको क्या है इंस्टॉल इन पास करवाना पड़ता है जो आपको इंपोर्ट कर दो यहाँ से पहले तो, और यहाँ पे आपको सिंगल टन कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट होता है, और यहाँ पर आपको क्लास पास करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से पहले इंपोर्ट कर लो, ठीक है। इंपोर्ट मैंने कर लिया, देखो इतना काम हो गया। अभी क्या करना, मुझको डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। देखो सबसे पहले मुझे अपने डेटाबेस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो मैं करता हूँ पहले प्रोवाइड्स नाम का जो एनोटेशन ऊपर कॉल कर लेता हूँ यहाँ से प्रोवाइड्स, और यहाँ पर एक सिंगल टन भी क्या करता हूँ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक फंक्शन क्रिएट कर लो जो कि आपका प्रोवाइड्स डेटाबेस है यहाँ पे। देखो गाइस ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, प्रीवियस जो मेरी वीडियोस है बहुत सारी उसमें बता चुका हूँ कि ये क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप कैसे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा हिल। तो मैं बिल्कुल भी बताऊंगा नहीं कि कैसे काम होता है, मेरा बेसिकली फोकस यहाँ पर क्या है कि आपको जेटपैक कंपोज के थ्रू कैसे आप रूम डेटाबेस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोवाइड करा दिया और यहाँ मुझे एक एप्लीकेशन नाम का क्या होता है यहाँ पर कॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। तो हो गया, एंड यहाँ से आपको रिटर्न टाइम दे दो कि यहाँ से टू टू डेटाबेस नाम का जो भी है इसको कॉल कर लो। एंड देखो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से कि आपको डेटाबेस सॉरी यहाँ से आपको रूम
रूम को पहले करना पड़ता है, आपको कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ से एंड डॉट करके आपको डेटाबेस बिल्डर को कॉल करवाना पड़ता है। देखो पहला पैरामीटर है आपका कॉन्टेक्स्ट देने वाला, तो कि आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है यहाँ पर, तो एप्लीकेशन पास कर दिया यहाँ से। सेकंड पैरामीटर जो है ना आपका, देखो यार जो ये एप्लीकेशन है ना बेसिकली एप्लीकेशन, इसकी मैं डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा चुकी, इसकी डिपेंडेंसी अपने आप ही प्रोवाइड हो जाती है। ये कैसे होती है देखो, जब मैंने देखो यहाँ पे एप्लीकेशन क्लास में ये पास कर दिया तो इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड हो चुकी है, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली पास कर सकते हो इस चीज़ की, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर क्या होगा आपका, यहाँ से डेटाबेस का नेम होने वाला है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या है, टू टू डेटाबेस होने वाला है, क्लास डॉट जावा पास करना पड़ता है। थर्ड पैरामीटर आपका होगा डेटाबेस का नेम होने वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि टू डू डेटाबेस नाम का मैंने क्या किया, यहाँ से कॉल करता हूँ। और लास्ट में अगर करना है आपको फॉल बैक डिस्क्रिप्टिव माइग्रेशन पास करना पड़ता है। देखो इसका मतलब ये है कि जब आप अपने डेटाबेस का वर्जन इंक्रीज़ करोगे ना, तो ये वहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है कि जब आप माइग्रेट कर रहे हो एक वर्जन से दूसरे वर्जन के अंदर, तो इसलिए फंक्शन वहाँ पर वर्क करता है। अब डॉट करके आपको नीचे बिल्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ मेरी डिपेंडेंसी प्रोवाइड हो चुकी है हमारे डेटाबेस की। अब नेक्स्ट क्या करना, मुझे अपने डाओ था ना, मेरा जो डाओ क्रिएट था उसकी भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, बिकॉज वो हमारा एक इंटरफेस है, ठीक है। तो उस इंटरफेस को हम कहीं ना कहीं यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे उसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी होती है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोवाइड्स नाम का जो भी एनोटेशन कॉल करता हूँ, देन सिंगल टन को क्या किया यहाँ से कॉल कर लिया। और यहाँ से पहले फंक्शन क्रिएट करता हूँ प्रोवाइड्स डाओ नाम का, ठीक है, जो अपने अंदर डीबी लेने वाला है, जो कि आपका क्या है टू डू डेटाबेस होने वाला, ठीक है। अभी ये कर दो, यहाँ से जो भी आपका डीबी है उसे कॉल कर लो, किसको क्या डाओ को कहाँ से कॉल कर लो। देखो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, उसका जो रिटर्न टाइप होने वाला है वो आपका क्या है यहाँ से टू डू डाओ होने वाला, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है ना कि अब मैंने बताया था इस मैंने बताया था ना वो इस गेट डाओ से मैं करूँगा जितने भी मेरे पास जो भी मेरे पास जो भी मेरे पास फंक्शन गिवन है हमारे डाओ के अंदर, लाइक इंसर्ट या सेलेक्ट का, उसको मैं कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। देखो आई थिंक मैंने डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, एक रेपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ मैं सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊँगा, लाइक इंसर्शन का या सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर इसके अंदर करता हूँ एक रेपोजिटरी पैकेज, एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ पहली बार, जो कि आपको क्या होने वाला है टू डू रेपोजिटरी नाम का एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने क्लास तो क्रिएट कर लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ जो कि प्राइवेट वेल अपने अंदर लेने वाला डाओ लेने वाला, ठीक है। तो मैंने डाओ किया जो कि आपका टू डू डाओ होने वाला, ठीक है। और इसकी डिपेंडेंसी मुझे प्रोवाइड करवानी है, तो मैं करता हूँ पहले तो इंजेक्ट नाम का यहाँ से नोटेशन को कॉल करता हूँ, तो मैंने इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी। अब देखो मुझे अगर इंसर्ट करवाना है, तो मैं पहले क्या करता हूँ एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जो कि आपका इंसर्ट होने वाला, ठीक है। और ये अपने अंदर क्या लेगा, एक डेटा क्लास लेने वाला है जो कि आपका टू डू, ये टू डू होने वाला, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू पास करके विथ कॉन्टेक्स्ट कॉल कर लो, बिकॉज देखो मुझे इस टास्क को बैकग्राउंड के अंदर भेजना है, ठीक है। तो मेरे पास डिस्पैचर्स डॉट यहाँ से आया होता है, ठीक है। तो इसको कॉल करके आप ये करो यहाँ से कि इस डाओ से मैंने कॉल कर लिया इंसर्ट फंक्शन को, बिकॉज इंसर्ट क्या यहाँ पर एक सस्पेंडिंग फंक्शन है, तो इसलिए क्या रहेगा ये किसी सस्पेंड फंक्शन के अंदर ही कॉल हो पाएगा। तो मैं करता हूँ यहाँ से टू डू को क्या कर दिया, टू डू को यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मेरा इंसर्ट का काम हो चुका है, मुझे सेकंड का काम करना है अपना जो भी डेटा को सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं करता हूँ एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ गेट ऑल टू डूज नाम का यहाँ से, और ये करेगा आपके अंदर फ्लो ऑफ लिस्ट, फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ डेटा लेने वाला जो कि आपका टू डू होने वाला, ठीक है। हो गया, एंड यहाँ पर पास कर दो, क्या करो यहाँ से कि इस डाउन से कॉल कर लो गेट ऑल टू डूज को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इजीली कॉल कर लिया, जो कि बहुत इजी था और उसने कुछ नहीं करना था। अब देखो मेरा नीड क्या है कि मुझे एक व्यू मॉडल क्रिएट करना जहाँ मैं इस इंसर्ट या गेट ऑल को कॉल कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा काम करना है, एक UI नाम का पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। पहले तो UI नाम का पैकेज क्रिएट किया, और यहाँ क्या करता हूँ एक मैं व्यू मॉडल क्रिएट कर लिया जो कि आपका टू डू व्यू मॉडल होने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्लास क्रिएट कर लिया, और देखो पहले करता हूँ एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से जो अपने अंदर प्राइवेट वेल में टू डू रेपोजिट्री लेने वाला, ठीक है। तो इसकी डिपेंडेंसी मुझे प्रोवाइड करवानी है, तो ऊपर जाके आप यहाँ से हिल्ट व्यू मॉडल पास कर दो, ठीक है। तो हिल्ट मैंने व्यू मॉडल यहाँ पे पास कर दिया जो कि इम्पोर्ट कर दिया, और यहाँ से आपको इंजेक्ट एनोटेशन को कॉल करवाना पड़ता है। तो इंजेक्ट एनोटेशन को यहाँ से कॉल कर दो, एंड गाइस बूम इतना हो चुका है। अब देखो मुझे क्या करना है, पहले तो इंसर्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंसर्ट नाम का यहाँ से, और ये अपने अंदर टू डू लेने वाला है यहाँ से,
टू डू, ठीक है, और इक्वल टू पास करके यहाँ से व्यू मॉडल स्कोप पास करना पड़ता है, व्यू मॉडल स्कोप। ओके, तो गाइस क्या करना है, यहाँ से पहले व्यू मॉडल जो क्लास है उसको यहाँ से पहले कॉल कर लो, एक्सटेंड कर लो। तो मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर लिया। अब देखो क्या करना है मुझको, यहाँ से व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च को यहाँ से कॉल कर लिया। अब देखो मुझे बेसिकली क्या करना है कि बैकग्राउंड से अपने मेन थ्रेड के अंदर आना, मतलब मेन एक्टिविटी के अंदर आना है यहाँ पर। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च इसलिए मैंने यहाँ पर पास कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो टू डू रेपोजिटरी से पहले क्या कर लो, कॉल कर लो अपने यहाँ पर इंसर्ट को, और यहाँ से टू डू को पहले पास कर दो, ठीक है। तो आई थिंक इतना हो चुका है। अब देखो मेरी सेकेंड नीड क्या है यहाँ पर, कि मुझको एक फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करेगा, आपको डेटा को गेट करने का काम कर रहा होगा पहली बात। तो मैंने किया गेट ऑल टू डूज, गेट ऑल टू डूज नाम का क्या किया, यहाँ से कॉल कर लिया। और इसका जो देखो इक्वल टू पास करना है मुझको यहाँ से, और देखो पर तो क्या करता हूँ, हाँ चलो इक्वल टू पास कर दिया। और देखो मैं इक्वल टू पास करता हूँ यहाँ से पहले, और यहाँ पर जो भी टू डू रेपोजिटरी है, टू डू रेपोजिटरी से कॉल करना है मुझे गेट ऑल टू डूज को यहाँ से, जो कि आपका पहले कैच आ सकता है, मतलब कोई एक्सेप्शन आ सकता है डेटा को गेट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, ई पास करके यहाँ पर, और लॉग डी के अंदर, लॉग डी के अंदर क्या करता हूँ, इसको मेन पास कर दिया, और यहाँ से एक्सेप्शन को एकदम एक्सेप्शन, और यहाँ से ई डॉट मैसेज को यहाँ से कॉल कर लिया, ठीक है। और डॉट करके यहाँ से आप कलेक्ट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो कलेक्ट को यहाँ से कॉल कर लिया, कलेक्ट को, ठीक है, कलेक्ट को कॉल कर लिया। और ये क्या कर गया, देखो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ ऐसा डेटा चाहिए, मतलब देखो यहाँ से जो डेटा है ना मुझे किसी ना किसी स्टेट फ्लो लाइव डेटा के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ मुझे ना स्टेट फ्लो का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, मतलब स्टेट फ्लो हो गया लाइव डेटा का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बिकॉज हम जेटपैक कंपोज के साथ वर्क करते हैं, तो मुझे वहाँ पर हमें ना स्टेट फ्लो हो गया लाइव डेटा का बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास क्या है, एक न्यू टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब हमें पढ़ा है, जो आपको आपके डेटा को स्टोर कर सकता है, जिसका नाम है म्यूटेबल स्टेट ऑफ नाम का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर म्यूटेबल स्टेट ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो मैं करता हूँ ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि आपका क्या होने वाला है, रिस्पॉन्स होने वाला है। और ये बेसिकली किस टाइप का होने वाला है, आपका म्यूटेबल, म्यूटेबल स्टेट, देखो म्यूटेबल स्टेट ऑफ स्टेट होने वाला है, ठीक है। और ये किस टाइप का होने वाला है, लिस्ट ऑफ टू डूज टाइप का, ठीक है। तो टू डू को मैंने कॉल कर लिया, और यहाँ पे करना पड़ेगा आपको एक म्यूटेबल, म्यूटेबल स्टेट ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा, जो आपके डेटा को स्टोर करवा सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्या करेगा, म्यूटेबल स्टेट का यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हम स्टेट फ्लो नहीं तो लाइव डेटा का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जेटपैक कंपोज वो उसको मतलब समझता नहीं बिल्कुल यहाँ पर। उसके लिए क्या है, यहाँ पर म्यूटेबल स्टेट ऑफ नाम का एक फंक्शन गिवन है, जो आपका सेम वैसे ही वर्क करता है, जैसे हमारा फ्लो वर्क करता है, लाइव डेटा वर्क करता है। बट होता क्या है, हम जब हम कंपोज के साथ वर्क करते हैं ना, तो उसकी जगह हम म्यूटेबल स्टेट ऑफ का यूज़ करते हैं यहाँ पे डेटा को स्टोर करवाने के लिए, हैंडल करने के लिए। ये आपके स्टेट को भी हैंडल करता है बहुत ही इजी वे के अंदर, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे डमी पास करता हूँ यहाँ पे, कि कोई लिस्ट ऑफ पास करता हूँ, लिस्ट ऑफ डेटा यहाँ पे पास करता हूँ, मतलब एक आपका डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत ही ईजी काम है का, इस कुछ नहीं करना, आप इस रिस्पॉन्स को कॉल करके डॉट वैल्यू करो, और इक्वल टू पास करके इस रिस्पॉन्स को यहाँ पर कॉल कर दो, ठीक है। तो सॉरी रिस्पॉन्स नहीं, आपको इट पास करना है यहाँ से, ठीक है। एंड मुंबई से का बहुत ही ईजी हमारा काम हो चुका है यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सेप्शन मिल रहा है, बिकॉज ये हो क्या रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के यहाँ से व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च में आपको कॉल करवाना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है यहाँ पर, एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैकग्राउंड से मेन थ्रेड में आना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक इतना हो चुका है मेरे यहाँ पर। तो मैं करता हूँ इसको इनिट ब्लॉक में अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पर इनिट ब्लॉक के अंदर कॉल कर लेता हूँ इसको गेट ऑल टू डूज को, ठीक है। तो देखो मेरा बेसिकली जो भी डेटा का, मतलब डेटा को सेंड करना सर डेटाबेस के अंदर, या डेटा को कैट करना वहाँ से, वो मेरा काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना, अपने यूआई डिज़ाइन पे फोकस करना, मतलब जो भी मेरा यूआई दिख रहा है ना यहाँ पे, उसको डिज़ाइन करना है यहाँ पर, जो कि बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करता हूँ, आप यहाँ पर एक एक्टिविटी क्रिएट करो, जो कि मेरे पास टू डू एक्टिविटी होने वाला है यहाँ से। टू डू एक्टिविटी नाम की मैंने क्या की, एक क्लास यहाँ से क्रिएट कर ली है। और देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से मैं कंपोनेंट एक्टिविटी को कॉल कर लेता हूँ, कंपोनेंट एक्टिविटी को यहाँ से कॉल कर लिया। और यहाँ जाके आपको ऑन क्रिएट मेथड को पहले कॉल कर लो, ठीक है, कॉल हो गया। और यहाँ अंदर आके क्या करो, सेट
कंटेंट जो भी है आपको इसको कॉल कर लो। और यहाँ मुझे अपने थीम डिफाइन करना पड़ेगा। थीम मेरे पास क्या है, कंपोज YT नाम का जो भी है उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर लिया और देखो यहाँ मैं करता हूँ सबसे पहले कि जो सरफेस है सरफेस को यहाँ से कॉल कर दो, ठीक है। तो मैंने सरफेस को यहाँ से कॉल कर लिया और ये करेगा अपने अंदर कलर लेने वाला, ठीक है। तो कलर को मैंने क्या कर लिया, कॉल करके यहाँ से आपका जो मटेरियल थीम है, मटेरियल थीम डॉट कलर्स डॉट, यहाँ पर मैं उनको पहले कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरी बात यहाँ पर क्या है, इसको पहले मतलब फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया और जो ये टूल बार दिख रहा ना इसको ऐड करना। गाइस ये बहुत ईजी होता है, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मतलब कि कैसे ऐड करते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी गाइस एक बार इसको कर लेते हैं कि इसका मतलब कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैं करता हूँ एक कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि आपका यहाँ पर क्या है कंपोजेबल फंक्शन है, आपका क्या है यहाँ पर कि ऐड टूल बार नाम का मैं करता हूँ एक कंपोजर फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया। अब देखो इसमें मैं करने वाला क्या हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं करता हूँ इस जो भी ऐड यहाँ टूल बार को ऊपर कॉल कर लेता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ सबसे पहले कि स्केफोल्ड नाम का, स्केफोल्ड नाम का क्या करता हूँ एक जो मेरे पास कंपोजर फंक्शन है इसको कॉल करता हूँ। अब देखो ये स्केफोल्ड करेगा क्या आपका, आपके लिए टूल बार क्रिएट कर सकता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट कर सकता है बहुत ईजी वे में यहाँ पर, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर आता हूँ और देखो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा यहाँ से कि मुझे एक ऐप बार क्रिएट करना ऊपर। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर कि जो भी ऐप बार होता है यहाँ पर देखो इसके ऊपर मैं वापस जाऊँगा ना यहाँ से, तो मेरे पास क्या है एक टॉप ऐप बार होगा मतलब टॉप बार होगा, तो इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा पहले। तो देखो तो टॉप जो भी टॉप बार है आपका यहाँ से कॉल कर लो और मेरे पास यहाँ पर टॉप ऐप बार होता है कंपोजर फंक्शन इसको कॉल करवाना पड़ता है। अब ये अपने अंदर बहुत सारा पैरामीटर लेने वाला है। देखो पहले आपका टाइटल देना, ठीक है। तो टाइटल आपको यहाँ पे इजीली प्रोवाइड करवा सकते हो, टाइटल पास कर दिया और यहाँ से आप टेस्ट को कॉल करके सपोज़ मान लो यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ से मैं करता हूँ टू डू ऐप, ठीक है। टू डू ऐप मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक इतना पहला हो चुका है मेरे काम। अब देखो मेरे को क्या करना है यहाँ पर इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को यहाँ पर पास करना, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे कर दो कि यहाँ पे कॉमा दे दो पहले, तो आप यहाँ से कॉमा देके और जो भी फ्लोटिंग एक्शन बटन से कॉल करके और यहाँ से फ्लोटिंग एक्शन बटन नाम का जो भी कंपोजर फंक्शन से कॉल कराना पड़ता है, ठीक है। ओके एंड यहाँ ये करता हूँ पहले मैं कि एक आइकन पास करता हूँ इसके अंदर। देखो मुझे आइकन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ एक आइकन पास कर दिया जो कि क्या होने वाला है आपका यहाँ से ओके आइकन्स आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट यहाँ पर मुझको ऐड पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आई थिंक यहाँ से ऐड पास कर, देखो देखो मेरा यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन हो चुका है। देखो जब मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन क्लिक करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो उसको क्या ऐड करना बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर सबसे करो यहाँ पर एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर लो जिसका नाम क्या है, फंक्शन दे यहाँ पर और ऐड डायलॉग, ऐड डायलॉग बॉक्स नाम पर, ठीक है। एक कंपोजेबल मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है एक अलर्ट डायलॉग नाम का कंपोजेबल फंक्शन होता है जिसके अंदर हमें बहुत कुछ पास करना होता है, ठीक है। तो देखो क्या करना है बेसिकली हमको यहाँ पर देखो इसको यहाँ से पहले हटाता हूँ, ओके ठीक है। देखो जब मैं एरोटल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसमें बहुत सारे हमारे पास पैरामीटर की बने, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट हो गया, बटन्स हो गया, मॉडिफायर हो गया, जो पास करना हम पास कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी मुझको यहाँ पर क्या पास करना है पहले, तो देखो जब वापस देखो देखो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो मेरे पास क्या है, जब भी मैंने क्लिक किया तो एक मेरे पास टाइटल होना चाहिए, ठीक है। तो टाइटल में पास क्या है यहाँ पर, टाइटल नाम का मेरे पास क्या है यहाँ पर एक पैरामीटर गिवन है, इसको मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, देखो पहले तो इसको यहाँ से कॉल कर लिया और ऊपर जाके देखो यहाँ से टाइटल नाम का जो भी मेरे पास है इसको कॉल कर लो और यहाँ मुझे टाइटल पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेक्स्ट पास कर दिया और यहाँ से क्या है टू डू नाम का क्या करता हूँ यहाँ पे मैं पास करता हूँ, ठीक है, जो आपका यहाँ से टाइटल होने वाला है। देन उसके बाद क्या है, दो हमारे पास क्या है एक टेक्स्ट व्यू गिवन है, मतलब ये एडिट टेक्स्ट गिवन है यहाँ पे जहाँ मैं कुछ इनपुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है एक टेक्स्ट नाम का क्या होता है यहाँ पर एक
कॉमा देखिए, टेक्स्ट नाम का कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पे होता है, जिसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंपोजेबल फंक्शन पास करने पड़ते हैं बहुत सारे। देखो ये मेरे पास क्या है, किस फॉर्मेट में, देखो दो डेटा आ रहा है यहाँ पर, तो मैं करूँगा एक कॉलम लगाऊंगा और कॉलम के अंदर इस डेटा को पास करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या करता हूँ यहाँ से एक कॉलम नाम का क्या करता हूँ, इसको कॉल कर लिया यहाँ से, और यहाँ मैं कुछ मॉडिफायर पास करता हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पर जस्ट मॉडिफायर पास कर लेता हूँ। ठीक है, तो मॉडिफायर पास किया, मॉडिफायर डॉट पैडिंग करके मैंने क्या किया, यहाँ से मान लो 10 dp पास करता हूँ पैडिंग यहाँ से। ठीक है, तो 10 dp मैंने पास कर दिया, और जो आपका फिल मैक्स विड्थ पास करता हूँ, देखो फिल मैक्स विड्थ का मतलब ये है कि जो आपका विड्थ होगा, ठीक है, जो आपका विड्थ होगा वो क्या होगा यहाँ पर, कि मैच प्रिंट होने वाला जो आपकी हाइट हो जाएगी वो रैप कंटेंट हो जाएगी। ठीक है, तो और इसके बाद आई थिंक कुछ नहीं पास करना था, जब यहाँ जाऊँगा और मुझे दो यहाँ पर एडिटेक्स को पास करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ से मेरे पास आउटलाइन लाइन टेक्स्ट फील नाम का मेरे पास यहाँ पर ये होता है, और यहाँ मुझे स्टेटस को पास करना पड़ता है पहले तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास कर चुका हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो मुझे करना है यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ती है, सब पास करनी पड़ती है। देखो मैं करता हूँ ऊपर जाके पहले अपने इसके लिए, देखो यहाँ जो मेरे पास टाइटल की वन नोट की वन, इसको लिए यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मैं वेरिएबल क्या करता हूँ टाइटल के लिए, यहाँ से टाइटल पास कर दिया, देन यहाँ से क्या करता हूँ कि जो इसमें रिमेंबर नाम का मेरे पास क्या होता है, कंपोजेबल फंक्शन होता है, ये बेसिकली क्या करेगा, आपके स्टेट को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दो ये म्यूटेबल, यहाँ से म्यूटेबल स्टेट को यहाँ से कॉल करके म्यूटेबल स्टेट स्टेटअप को यहाँ से कॉल किया, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, जो मैंने ये पास कर दिया। अब एक और आपको टाइटल के लिए नोट के लिए पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ से आपको जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से वो भी पास कर दो, डिस्क्रिप्शन पास करना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आके इस जो भी आपका टाइटल डॉट वैल्यू को कॉल कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे जाके पहली बात तो जो भी आपका यहाँ से जो भी आपका टाइटल डॉट वैल्यू है इसको कॉल करके यहाँ से इक्वल टू पास कर लो, और यहाँ पे 8 पास कर दो। ठीक है, अभी यह करना है मेरे को यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू पास करनी, लाइक आपका लेवल हो गया, आपका प्लेस होल्डर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉमा देना है और प्लेस होल्डर पास करने का, तो इसके अंदर नहीं आपका यहाँ जाना है आपको। ठीक है, तो कॉमा दे के आपको क्या करना है, प्लेस होल्डर पास करना है, जो कि आपका क्या है कि टेक्स्ट पास कर दो यहाँ से, एंटर टाइटल पास करना है, और यहाँ से जाके इस लेबल को भी यहाँ से कॉल कर दो। ठीक है, तो लेबल भी मैंने पास कर दिया यहाँ से, जो कि आपका लाइक टेक्स्ट मान के चलो यहाँ से टेक्स्ट है, टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन है यहाँ से, और पास कर दो यहाँ लाइक की एंटर डिस्क्रिप्शन पास कर दिया। ठीक है, देखो इतना आई थिंक काम हो चुका है मेरा, अभी तो मेरे को और कुछ नहीं काम करना, लेकिन यहाँ पे मॉडिफाई भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमा देखिए आप मॉडिफाई पहले पास कर दो यहाँ से, और मॉडिफायर डॉट पैडिंग मैंने पास कर लाइक मान लो 5 dp पैडिंग दे देता हूँ यहाँ से, और तो आई थिंक कुछ नहीं पास करना, 5 में 10 पास करता हूँ। ठीक है, 10 dp पास करता हूँ यहाँ। ठीक है, और तो आई थिंक देखो और तो आई थिंक कुछ पास नहीं करना मेरे पास, इतना ही काम था। देखो अगर मुझे एक और बनाना है यहाँ से, तो इसको ही मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले कॉपी करके इसको और यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, और यहाँ से क्या करना है कि जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है इसको यहाँ पर कॉल कर दो, देन यहाँ से भी आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है इसको कॉल करके एंटर दिस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ भी हो गया, यहाँ टाइटल पास करना था सॉरी। ठीक है, आई थिंक इतना मेरा काम हो चुका, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब मुझे एक बटन भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी के अंदर तो बटन ऐड करना भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे कॉमा देना होता है और आपका ऑन, देखो यहाँ नहीं देना आपको, जब मैं जाऊँगा इसके अंदर एलो डायलॉग के अंदर, तो देखो ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा और ऑन कंफर्म बटन आपको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ऑन कंफर्म बटन मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डेटा है सेव नाम का, उसको यहाँ पे मतलब कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ एक आउटलाइन बटन नाम का फंक्शन को यहाँ से, मतलब कंपोजर फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पर उसी चीज़ें पास करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो
मुझको यहाँ पर करना क्या है कि एक पैटर्न मतलब क्रिएट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पहले पास कर देता हूँ जो कि आपका होने वाला है सेव नाम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा, ठीक है। और जो भी बटन पे होगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा, जो भी डेटा उसके पास होगा उसको मैं यहाँ पर डेटाबेस में भेज दूँगा, ठीक है। तो देखो आई थिंक इतना मेरा हो चुका है, लेकिन इसमें मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी भी। तो देखो मुझे अभी करना क्या है कि सबसे पहले इस ऐड डायलॉग बॉक्स के अंदर मुझे ये करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डालना पड़ेगा जो कि आपका ओपन डायलॉग होने वाला है, ठीक है। तो ओपन डायलॉग नाम किस टाइप का होने वाला है, ये म्यूटेबल म्यूटेबल स्टेट होने वाला, ठीक है, जो कि आपका बूलियन टाइप की वैल्यू लेगा यहाँ पर। देखो इसका इसके लिए मतलब क्या है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा, देखो जब मैं यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूँगा तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। और जब मैं कहीं भी यहाँ पर बाहर में मतलब प्रेस करूँगा ना, तो वो क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका बस के लिए मतलब ये होता है। तो देखो अभी क्या करना है, यहाँ से डायलॉग पास कर दो यहाँ से पहले, और मैं करता हूँ इस अलर्ट डायलॉग को पहले यहाँ से क्या करता हूँ, पूरा कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, और मैं यहाँ पे पहले कंडीशन लगाता हूँ कि ओपन डायलॉग, अगर ओपन डायलॉग की जो भी वैल्यू है वो ट्रू है, ट्रू है, तो जब भी क्या होगा ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मतलब शो होगा हमको यहाँ से, अदरवाइज शो नहीं होगा। अब क्या करो, ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप आउटसाइड आउटसाइड कहीं क्लिक कर दोगे ना, मतलब देखो सपोज मान लो कि जब मैंने यहाँ पर जब देखो मैं यहाँ पर गया, और देखो जब मैंने कहीं बाहर क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो ये डिसमिस होना चाहिए, तो डिसमिस हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या करो, यहाँ से आप जो भी ओपन डायलॉग की वैल्यू है, तो ओपन डायलॉग की जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर कर दो फॉल्स कर दो। फॉल्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप कहीं बाहर क्लिक करोगे ना, तो ये डिसमिस होने वाला है अपने आप ही, ठीक है। तो आई थिंक इतना हो चुका है मेरे पास, और तो आई थिंक कुछ नहीं करना, येस आई थिंक और कुछ नहीं करना। अभी मेरी बारी क्या है, इसको ऊपर कॉल करने का, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि आपका क्या होना है, ओपन ओपन डायलॉग होने वाला, ठीक है। तो ओपन डायलॉग कॉल कर लिया, और यहाँ पर आपका है रिमेंबर बाय, ठीक है। तो रिमेंबर को कॉल करना पड़ता है यहाँ से, और यहाँ क्या कर दो कि म्यूटेबल स्टेटस को कॉल किया, और यहाँ मुझे बूलियन वैल्यू पास करनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी सपोज मेरी अभी फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स का मतलब ये होता है कि अभी आपका डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं है, जब आप फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करोगे जब आपका क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला है। तो देखो मैं करता हूँ, इधर आता हूँ ऑन क्लिक के अंदर, और इस ओपन डायलॉग जो भी है इसको की जो वैल्यू है, इसकी क्या है वैल्यू जो है उसको मैं क्या करता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। बिकॉज जब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लिक बटन पे मतलब फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूँ, तो ओपन डायलॉग की वैल्यू जब ट्रू होगी, अब जैसी वैल्यू ओपन डायलॉग की ट्रू होगी ना, तो क्या लिखा है यहाँ पर कि जैसे ही वैल्यू ट्रू हो जाए तो आप अलर्ट डायलॉग को क्या कर दो, ओपन कर दो। तो मैं करता हूँ इस फंक्शन को करता हूँ इसके अंदर पास करता हूँ, ठीक है। अलर्ट डायलॉग को क्या करता हूँ, यहाँ कॉल करता हूँ। अब देखो इसलिए देखो अलर्ट डायलॉग के क्या, देखो एक काम करता हूँ कि ओपन डायलॉग है यहाँ पर, फंक्शन का नाम बेसिकली ऐड डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। तो ऐड डायलॉग बॉक्स जो भी है इसको मैंने कॉल कर लिया, और मुझे यहाँ पर क्या करना, ओपन डायलॉग को कॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। देखो मैंने इतना कॉल कर दिया। देखो ये बेसिकली क्या है, एक कंपोजिबल फंक्शन है यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको ऑन क्लिक के अंदर पास नहीं कर सकता, बिकॉज ये आपका नॉर्मल फंक्शन होता है। इसे मैंने इसको इधर पास कर दिया, ताकि जब भी आपका वो ट्रू होगा तो ये अपने आप ही ओपन कर देगा इस चीज़ को, ठीक है। देखो मेरा काम इतना हो चुका है, और मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो अभी क्या करना है बेसिकली मुझको कि देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा क्या होगा, डेटा मुझे करना है इंसर्ट करवाना है कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब अपने डेटाबेस के अंदर। तो जब भी मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो डेटा मुझे गेट होना चाहिए वहाँ से, ठीक है। तो क्या करता हूँ, पहले यहाँ नीचे जाके एक फंक्शन नॉर्मल फंक्शन प्राइवेट फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि क्या है आपका इंसर्ट नाम का होने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो देखो मैंने इंसर्ट को यहाँ पर कॉल कर दिया, और ये अपने अंदर कुछ ना कुछ देखो दो लेगा यहाँ पर, आपका पहला टाइटल होना चाहिए और सेकेंड आपका डिस्क्रिप्शन होने वाला है। बिकॉज इस इंसर्ट फंक्शन को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, ऑन क्लिक के अंदर कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, पहली बात तो आप एक जो भी टाइटल है यहाँ से टाइटल, इसको यहाँ से पहले कॉल कर लो, जो कि आपका म्यूटेबल यहाँ से म्यूटेबल स्टेट होने वाला है, और ये आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, ठीक है। तो ये इसलिए आप यहाँ पे पास कर दो इस चीज़ को। सेकंड पैरामीटर होगा आपका डिस्क्रिप्शन होने वाला है यहाँ से, तो आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन को कॉल कर दिया, डिस्क्रिप्शन को वहाँ से कॉल कर दिया, और ये भी आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला, ठीक है। देखो आई थिंक इतना डन हो चुका है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ नीचे आके लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च वन स्टार्टर को कॉल कर देना है यहाँ पर। और मुझे पहले क्या करना है यहाँ से पहले कि मेन व्यू मॉडल, सॉरी देखो पहले मुझे करना पड़ेगा व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा टॉप पे। तो देखो यहाँ पे करता हूँ एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट पर लगा, तो यहाँ से एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट जो भी है आपका यहाँ से लगा दो, ठीक है। तो एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट कॉल करके यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर दो इसको,
तो इम्पोर्ट कर दिया। और यहाँ पे ऊपर आके क्या करो, पहले आप प्राइवेट वेल करके टू टू जो भी आपका व्यू मॉडल है उसको पहले कॉल किया, इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। टू टू व्यू मॉडल करके बाय व्यू मॉडल्स कर सकते हैं पे इजली, ठीक है। तो इतना हो गया। आप देखो नीचे आना है आपको यहाँ से, और टू डू व्यू मॉडल से कॉल करना है आपको, क्या इंसर्ट वाले को कॉल करना है यहाँ से, ठीक है। देखो इंसर्ट वाले को आपको कॉल करना है, इसको पहले यहाँ से हटा के पहले इफ़ कंडीशन लगा दो कि जो टेक्स्ट यूटिल्स की वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। देखो टेक्स्ट यूटिल्स में जाके इस एम्प्टी चेक करो, एम्प्टी तो नहीं। यहाँ पर टाइटल डॉट वैल्यू टाइटल करके आपको यहाँ से वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो वैल्यू पास कर दी। और सेकेंड पैरामीटर आपका होने वाला है टेक्स्ट यूटिल्स के अंदर, देखो इस एम्प्टी तो नहीं कहीं आपका डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन पास करो और इसकी वैल्यू को यहाँ से गेट कर लो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को डिस्क्रिप्शन डॉट ओके सॉरी, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूटेबल स्टेट, म्यूटेबल स्टेट लिखना पड़ेगा, और ये स्ट्रिंग टाइप का होने वाला, ठीक है। तो स्ट्रिंग पास कर दिया और यहाँ से आपको वैल्यू कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इतना हो चुका है, तो मुझे अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस मेन व्यू मॉडल सॉरी आपको टू डू व्यू मॉडल को पास करना पड़ेगा जो कि आपका इंसर्ट है यहाँ पर। तो और यहाँ से अगर टू डू को पहली बार कॉल करके, देखो टू डू को कॉल करके आपको टाइटल पास करना है, तो टाइटल 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 डॉट वैल्यू पास कर सकते हो यहाँ से, येस। एंड सेकेंड आपको डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू को यहाँ पे कॉल कर सकते हो, येस। इतना हो गया। और आई थिंक अभी क्या होगा, एल्स पार्ट में नहीं, तो एल्स पार्ट में क्या कर दो, आप यहाँ से टोस्ट पास कर सकते हो, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे एक टोस्ट पास कर दिया ताकि यहाँ पे लगे कि आपका कोई एम्प्टी आपका, ठीक है। तो इसको यहाँ से एक और कॉपी कर सकते हो और इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि इंसर्टेड, ठीक है। और देखो इतना हो चुका। अब मुझे ये करना है, इस इंसर्ट फंक्शन को यहाँ पे ऊपर टॉप पे कॉल करना है, कहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ इस इंसर्ट फंक्शन को क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो वैल्यू पास करनी है, फर्स्ट आपका टाइटल होना चाहिए और सेकंड आपका होना चाहिए डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉल कर लिया। देखो वैसे इतना हो चुका है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि जब भी सेव बटन पे क्लिक करो तो डायलॉग भी डिसमिस होना चाहिए यहाँ पर। तो ओपन डायलॉग की जो भी वैल्यू है उसको क्या कर दो, यहाँ पे वैल्यू करके आप यहाँ से फॉल्स पास कर सकते हो, येस। बिकॉज मैं चाहे देखो चाहता हूँ ना, यहाँ पर जब भी मैं सेव बटन पर देखो यहाँ पर क्लिक करूँगा ना, तो ये डायलॉग भी क्या हो रहा है, डिसमिस हो रहा है, यहाँ पर इंसर्ट सक्सेसफुल यहाँ पर रिटर्न आ चुका है। तो देखो आई थिंक इतना मेरा हो चुका है, ठीक है। देखो अब मेरी नीड बेसिकली ये है ना कि मुझे एक रिसाइकलर व्यू क्रिएट करना वाले ईचरो क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो वो भी बहुत इजी है गाइस, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपको कंपोजिबल पहले फंक्शन क्रिएट कर लो जो कि आपका होने वाला है लाइक ईचरो नाम का, ठीक है। तो मैंने ईच और रो यहाँ से क्या कर दिया, नाम का एक कंपोजिबल फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। और देखो मैं क्या यहाँ पे करता हूँ, पहले देखो मेरे को यहाँ पे ना एक कार्ड व्यू चाहिए, ठीक है, जहाँ पर मैं इस डेटा को स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पे क्या करता हूँ, पहले एक यहाँ से एक कार्ड नाम का जो भी कंपोजिबल फंक्शन, देखो कार्ड नाम का क्या करता हूँ, एक कंपोजिबल फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने देखो इसके पहले मॉडिफिकेशन कर देता हूँ कार्ड की पहली बात। तो मॉडिफायर को कॉल करके यहाँ पर मॉडिफायर डॉट पैडिंग पहले पास कर दो, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टली मैं करता हूँ यहाँ पर 8.dp पास करता हूँ, और जो वर्टिकली मैं करता हूँ यहाँ से 8.dp पास करता हूँ, ठीक है। और देखो फिल जो इसका, देखो यहाँ फिल मैक्स विड्थ पास करता हूँ, ठीक है यहाँ पर। और देखो और मुझे पास करना है यहाँ पर इसके अंदर, तो देखो मेरे पास होता है यहाँ पर एक एलिवेशन देना है, तो एलिवेशन भी हम इजी दे सकते हैं, लाइक मान लो कि 2.dp पास कर दिया। सेकेंड आपका शेप होता है, तो शेप पास कर सकते हैं यहाँ पर, राउंडेड कॉर्नर शेप नाम का होता है यहाँ पर, राउंडेड कॉर्नर शेप नाम का मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको क्या करना है, लाइक मान लो कि वो 4.dp पास करना, ठीक है। तो इसका शेप हो जाएगा बेस करें, ठीक है। तो इतना हो चुका है। तो मुझे आप क्या करना है, अंदर आके एक कार्ड के अंदर मुझे एक कॉलम पास करना जिसके अंदर मैं इस कंपोज और इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन को पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, कॉलम नाम का होता है, तो कॉलम नाम का मैं कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। और देखो मुझे अभी क्या करना है, यहाँ से पहले बात तो कि इसके लिए मॉडिफायर का यहाँ पर यूज़ करता हूँ, जो कि आप मॉडिफायर क्या करेगा, यहाँ से कम आपको पैडिंग 10.dp मैं यहाँ से आप पास कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ पहले एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ यहाँ से, जो कि आपका यहाँ से देखो सबसे पहले यह करता हूँ मैं टॉप पे जाता हूँ और इस टू डू नाम का जो डेटा क्लास है मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, बिकॉज इसी टू डू से मैं कर सकता हूँ इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कॉल कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसे यह करता हूँ यहाँ पर टू डू डॉट
टू डू डॉट करके मैं टाइटल को कॉल कर लिया यहाँ से। और देखो ये टेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बोल्ड गिवन है, ठीक है, बोल्ड पास करना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बोल्ड पास करता हूँ ईजिली। तो मेरे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो फॉन्ट वेट होता है, यहाँ पर फॉन्ट वेट होता है, इसको फॉन्ट वेट डॉट मैं क्या करता हूँ थोड़ा बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड पास करता हूँ, ठीक है। और तो आई थिंक कुछ नहीं करना होगा मेरे को यहाँ पर। अगर थोड़ा सा पैडिंग देना है तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं यहाँ पर पैडिंग की यहाँ पर। तो मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पर कॉल कर लूँगा जो कि आपका होने वाला है यहाँ से टू डू डॉट, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को मैं ऐसे कॉल कर लेता हूँ। और देखो इसका जो है ना यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब इटैलिक फॉर्मेट में, ठीक है, तो इटैलिक पास कर लेता हूँ यहाँ पर। तो फॉन्ट आपका जो स्टाइल है यहाँ से, तो आप फॉन्ट स्टाइल से इटैलिक कर सकते हो, थोड़ा इटैलिक कर दिया मैंने। और बस ठीक है, इतना ठीक है, और आई थिंक कुछ नहीं करना होगा मेरे को। तो देखो मैंने ईच जो भी क्रिएट कर लिया, अब मेरी नीड क्या है, एक रिसाइकलर व्यू क्रिएट करना, जो कि रिसाइकलर व्यू क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ से एक पहले कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करना, जो कि आपको क्या है रिसाइकलर व्यू नाम का, क्या करता हूँ रिसाइकलर व्यू नाम का एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट किया। और अगर आपको रिसाइकलर व्यू क्रिएट करना है ना यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर रिसाइकलर व्यू क्रिएट कर लिया। देखो अगर आपको रिसाइकलर व्यू क्रिएट करना है तो हमारे पास क्या होता है, एक लेज़ी कॉलम नाम का, ठीक है, तो लेज़ी कॉलम नाम का हमारे पास कंपोजेबल फंक्शन होता है, इसको यहाँ से कॉल किया। और देखो यहाँ मेरे पास क्या है, सबसे पहले ऊपर मैं करता हूँ एक लिस्ट ऑफ डेटा पास करता हूँ, ठीक है, जो भी मेरे पास लिस्ट ऑफ डेटा ना उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो लिस्ट ऑफ डेटा मैं कैसे पास कर सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इधर हमारे पास मेन व्यू मॉडल, ठीक है, तो व्यू मॉडल से मुझे क्या करना है, डेटा को गेट करना होता है, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ यहाँ से कि जो टू टू व्यू मॉडल है इसको यहाँ पे पहले कॉल कर लेता हूँ ऊपर, और इस आइटम्स पे देखो आइटम्स आपको कॉल करना है। और देखो इस टू टू व्यू मॉडल से करता हूँ गेट करके मैं करता हूँ इस रिस्पॉन्स को, क्योंकि इस रिस्पॉन्स के अंदर आपका लिस्ट ऑफ डेटा प्रेजेंट है, और डॉट करके आपको वैल्यू पास करना है यहाँ पर, ठीक है। और इतना देखो हो चुका है मेरा काम, ओके, और इसको इंपोर्ट कर दो बस यहाँ से। अब देखो इतना हो गया, अभी मुझे करना है यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा, मुझे देखो इसके पास लिस्ट ऑफ डेटा प्रेजेंट है, और ये लिस्ट ऑफ डेटा में से वन बाय वन क्या करेगा डेटा को यहाँ पर शो करवाएगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ इधर आके ना ईच रो क्या करता हूँ कॉल कर लेता हूँ पहले, तो ईच रो को मैंने कॉल कर लिया, और ये टू डू मांग रहा है तो टू डू को यहाँ से पहले कॉल कर लो। तो मैंने यहाँ पे टू डू पास कर दिया, ठीक है, एंड गाइस इतना हो गया। देखो मेरे पास क्या हुआ, जो भी डेटा मेरे पास प्रेजेंट है वो मैंने यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। देखो इस टू डू व्यू मॉडल से मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे मैंने कॉल कर लिया, मतलब इसके पास वैल्यू प्रेजेंट है जो यहाँ पर शो होने वाले इचरो के पास। अब देखो इस रिसाइकलर व्यू को मुझे कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा, और इसको कहाँ कॉल करना है, यस मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना है यहाँ से, और देखना ना आपको स्केफोल्ड के अंदर बॉडी पार्ट के अंदर, यस मुझे यहाँ पर पास करना होता है इस चीज़ को। तो मैं करता हूँ यहाँ से कि जो भी आपका रिसाइकलर व्यू है इसको यहाँ से कॉल करता हूँ, और आपका टू डू व्यू मॉडल मांग रहा था, टू डू व्यू मॉडल को यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर लो। तो गाइस मेरा बेसिकली काम आई थिंक सब कुछ हो चुका है, तो मुझे और कुछ नहीं करना यहाँ पर, यस मुझे और कुछ नहीं करना, सब कुछ पास है। अब जो क्या करता हूँ मैंने यहाँ जाता हूँ एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर, और यहाँ से जो एक्टिविटी का नाम है इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ पहले, तो क्योंकि मेरे पास क्या है टू डू था, टू डू एक्टिविटी थी, इसको यहाँ से कॉल कर लिया, और इस एक्टिविटी के अंदर क्या करता हूँ जो रिसाइकल्ड व्यू था इसको यहाँ से कॉल कर दिया, ठीक है। तो डन हो चुका है, आप क्या करता हूँ एक बार एप्लीकेशन को रन करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो गाइस देखो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। देखो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे, तो मुझे यहाँ पर टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मान लो मैं टाइटल यहाँ पर कुछ भी पास कर देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन भी मैं समथिंग कुछ भी पास कर देता हूँ, तो मैं सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड मोबाइल, देखा यहाँ मेरा डेटा शो हो चुका है। देखो अगर मैं कोई और डेटा भी पास करता हूँ यहाँ पर, देन यहाँ पर कुछ सेव कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा पास हो रहा है, ठीक है। देखो गाइस इस वे में हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जेट पे कंपोज के थ्रू। तो होप गाइस कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा कि मतलब इस चीज़ को हम कैसे करते हैं, ठीक है।